अरे डॉक्टर साहब देखियो मेरे भैया की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है इसकी। डॉक्टर साहब ऐसी हालत हो रही है कि कहीं महफिल में बैठ कर खा भी नहीं सकता। अरे रुको रुको, शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, बैठो आपको। अब तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। अरे ये कोई बीमारी नहीं होती, थोड़ा बहुत लिकिस तो हो ही जा है, ऐसे तो बड़े बड़े आदमियों का लिकिस हो जाओ। अरे खामा खाम घबरा रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी ना है, ऐसा तो तड़ापड़ होती रहा, कोई बात ना है। तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा, लापरवाही तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, लापरवाही बिल्कुल मत करियो, ठीक है? लो दवाई दे। लेकिन दवाई जो है तुम्हें टाइम पे खानी है, ठीक है डॉक्टर? समझ गए, समझा दूसरा भैया को, दवाई टाइम पे खाइए, टाइम पे खाएंगे चल जाए एकदम ठीक हो जाएगा। जा कितने रुपए डॉक्टर साहब? अरे दे दो 50 रुपए खाते में लिख दो। खाते में यार तुम हमारे द्वारा दवाई लेने मत आ करो, यो हिसाब में बहुत बुरा लगता है ना खाते में। अब क्या कर रहा है यो, कैसे पागल वाली बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने क्या कही थी कि लापरवाही मत करो बिल्कुल भी? हाँ तो लापरवाही मना करी थी मगर तू करके रहा है यो। तो भैया उन्होंने कहना थी कि दवाई टाइम पर खानी है, देख सारी दवाई टाइम पर रख रखी, टाइम पर खा रहे हूँ। आदमी तो बाबला है कैसा, अब उन्होंने टाइम से खानू कही थी, ये टाइम देख के खानी और तू सारी दवाई टाइम पर रखो बैठा। अब उनके कहने का मतलब ये था ये घड़ी में टाइम देख के जब खानी थी दवाई और तू सारी दवाई टाइम पर रखो बैठा। मैं तो ये सोचता था टाइम पर रख के एकदम आराम हो जाएगा यार। हाँ, आराम चल दो घंटे और बाकी दवाई मैं पहले खान ले।